जी मैम, जिस तरह की बच्चों वास्ते जो आप विशेष उपराला कर रहे हो और की कहना चाहते कि जिस तरह का जो स्टार्ट किया तो किस तरह स्ट्रगल हो? 2016 में पहली रन करी थी ये सोच के कि बड़ों के लिए तो काफ़ी इवेंट्स होते हैं, रन होते हैं, पर बच्चों के लिए कुछ नहीं होता जी. तो उस हिसाब से हमने ये सोचा करें एंड बींग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो हम जितने भी प्रोसीड्स होते हैं इस रन के हम नीडी स्पोर्ट्स पर्सन को डोनेट करते हैं. तो जैसे जब आपने इन्हें स्टार्ट किया, जैसे आप भी आज का बहुत बढ़िया, जैसे आपके साथ में जो सहयोगी भी साथ में आए हैं जो एनजीओ के हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं जब आप इस बढ़िया मुकाम पे पहुंच चुके हैं? सबके साथ ही पहुंचे हैं, हमारे मेंबर्स के बिना तो पॉसिबल नहीं था. और हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो पूरी सपोर्ट करते हैं और हमारे हर एक मेंबर ने उन बच्चों को स्पॉन्सर किया है जो हो सकता है कि नहीं अफोर्ड कर सकते हमारे रन की रजिस्ट्रेशन. थोड़ी हम डिटेल जानना चाहते थे, जो ये रनिंग स्टार्ट होगी तो इसमें क्या क्या होगा, क्या खासियत होगी? बेसिकली खासियत तो यह है कि हमने जो 3, 5 और 10 किलोमीटर की कैटेगरीज रखी हैं, 3 किलोमीटर्स इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव, 5 and 10 किलोमीटर्स इज़ कॉम्पिटिटिव कैटेगरी, जिसमें 36 प्राइजेज रखे हैं ऑफ डिफरेंट एज कैटेगरीज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेटली. एंड फर्स्ट 6 रनर्स को वो डिसाइड होंगे टाइमिंग के ऊपर, उनको हम साइकिल गिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो एक और जानकारी जानना चाहते हैं कि जैसे इसमें कौन कौन से स्टेट से हैं, और जैसे आपसे हम पहले बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट बच्चों को भी आप फ्री में सहूलत दे रहे हैं, चलिए जो अफोर्ड करते हैं उनके जो है, तो इसमें जैसे आपने भावना आई, जैसे जो बच्चे जो नहीं अपने से पे कर सकते उनके लिए हेल्प के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो और बच्चों के लिए क्या मैसेज आपका? बच्चों के लिए तो मैसेज यह है कि आजकल बच्चे थोड़े से सुस्त हो चुके हैं जी. रनिंग जो सबसे ईजिएस्ट स्पोर्ट है उसके लिए कोई ज़्यादा आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ता जी. हमारी चंडीगढ़ में पार्क्स इतने सुंदर हैं, रोड्स इतने सुंदर हैं, रनिंग ट्रैक्स हैं, तो आई थिंक इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे बच्चों को और थोड़ा सा एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए आज के दिन में. खास एक चलते हुए लास्ट में एक मैसेज कि जो पंजाब का और हरियाणा का ये सेंटर प्लेस है, तो जहाँ और उन लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए जहाँ आने के लिए आपकी तरफ से कोई इन्विटेशन? इन्विटेशन तो ओपन इन्विटेशन है, खुली रन है, बच्चे आएँ, इन्जॉय करें. सारे बच्चों को टी शर्ट्स मिलेंगी, फिनिशर मेडल मिलेंगे. रन के बाद हमने बच्चों के लिए थोड़ी सी गेम्स ऑर्गेनाइज करी हैं, ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए. सो बच्चों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, डांस करते हैं बच्चे उनके साथ. और इस बार खासियत यह है कि बाई चांस ही 25 दिसंबर की डेट हमने निकाली है जी. तो एक थोड़ा सा हम उनके लिए एक क्रिसमस फ्लेवर बना देंगे, यू नो हमारे मेम्बर्स थोड़ा सा उनके लिए एक्सेस यू नो उनको इम्पोर्टेंस दे देंगे. बच्चों का इवेंट है तो बच्चे ही हमारे VIP गेस्ट हैं. ठीक है, और बढ़िया बात है कि जैसे जो मैम ने बोला कि ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और साथ में क्रिसमस डे है और न्यू ईयर भी आने वाला है, ऐसे विषय में कार्यक्रम होते रहें, और बहुत बढ़िया बात है कि बच्चे भी आगे आकर ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते रहें. धन्यवाद जी. मेरे वालों यानी सुरिंदर फरिश्ता और कुलेशा वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, आदाब. तो तुहानू जान के बड़ी खुशी होगी, पदरू फिल्म प्रोडक्शन वालों एक बहुत ही वधिया शो ऑर्गनाइज किया गया और ये सिंगिंग का मुकाबला होएगा, तुसी इस प्रोग्राम च वध तो वध हिस्सा लवो और अपना टैलेंट लोगों के सामने लियाओ. जे इहो जिहे उपराले ना होण ते जिहड़ा बच्चों च जां लोगों च टैलेंट है वह दब के रह जाए, और मैं इन्हां दी सारी टीम नूं बहुत बहुत मुबारक देना. पदरू फिल्म प्रोडक्शन, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू.